उदाहरण 5, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी, तब लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्या रही होंगी? हल: माना विज्ञान क्विज में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या एक्स व लड़कियों की संख्या वाई थी, तब कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या धन लड़कियों की संख्या। अब कुल विद्यार्थी हमारे पास 10 है, बराबर लड़कों की संख्या x धन लड़कियों की संख्या y, या हम x धन y बराबर 10 लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला समीकरण हुआ। चूंकि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी, अतः एक समीकरण और बनेगा, y बराबर x धन 4, जो कि हमारा समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 व 2 का आलेख खींचने के लिए x और y के संगत मानों की सारणी बनाएंगे और सारणी की मदद से आलेख खींचेंगे। समीकरण 1 में x का मान 1 रखने पर y का मान 9, x का मान 2 रखने पर y का मान 8, x का मान 3 रखने पर y का मान 7, x का मान 4 रखने पर y का मान 6, x का मान 5 रखने पर y का मान 5 एवं x का मान 6 रखने पर y का मान 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार समीकरण 2 में सारणी 2 में x का मान 1 रखने पर y का मान 5 प्राप्त होता है, x का मान 2 रखने पर 6, x का मान 3 रखने पर y का मान 7, x का मान 4 रखने पर y का मान 8, x का मान समीकरण में 5 रखने पर हमें y का मान 9 प्राप्त होता है एवं x का मान 6 रखने पर y का मान 10 प्राप्त होता है। ग्राफ पेपर पर सारणी 1 व 2 से प्राप्त मानों को प्रदर्शित करते हैं तो दो सरल रेखाएं L व M प्राप्त होती है। ग्राफ पेपर पर आप देखते हैं कि यह दोनों रेखाएं L व M एक दूसरे को बिंदु 3-7 पर काट रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। यह बिंदु दोनों समीकरणों से प्रदर्शित सरल रेखाओं पर स्थित है। इस बिंदु 3-7 में x का मान 3 y का मान 7 है, जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, यानी लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। तो हमने आलेख से प्राप्त किया कि लड़कों की संख्या x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर 7 है। यह इस प्रश्न का हल होगा। समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु ही उन समीकरणों के हल होते हैं। क्या प्रत्येक परिस्थिति में हम एक दूसरे को काटती हुई सरल रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं? बल्कि अलग अलग परिस्थितियों में बने समीकरणों के लिए आलेख पर प्राप्त सरल रेखाएं अलग अलग रूपों में दिखाई देती हैं। आइए इन्हें समझें। पहला, जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हों, तब समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। कटान बिंदु के मान ही समीकरणों के हल होते हैं। दूसरा, जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समांतर हों, तब समीकरण का कोई भी हल नहीं होता, क्योंकि कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। तीसरा, जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं संपाती हों, अर्थात एक दूसरे पर स्थित हों, तब समीकरण के अनंततः अनेक हल होते हैं, क्योंकि इस स्थिति में अनेक बिंदु दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ होते हैं।
समीकरणों द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं की विशेषताएं व्यावहारिक जीवन से संबंधित समस्याओं को समझने में मददगार साबित होती हैं।